भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सूरज के करीब पहुंचने से पहले इसरो ने इसके कैमरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसी के तहत राह में जाते समय आदित्य L1 खुद की सेल्फी लेने के साथ धरती और चंद्रमा की भी शानदार तस्वीरें ले रहा है। 4 सितंबर को इसरो ने आदित्य L1 से पृथ्वी और चांद की 2 खूबसूरत तस्वीरें ली है। इसरो ने गुरुवार को इन तस्वीरों को साझा किया है। इसरो ने एक्स पर अपने पोस्ट में आदित्य L1 को ऑन लुकर यानी ताका झाकी करने वाला बताया। इस दौरान इसरो ने सोशल मीडिया पर इसका पूरा वीडियो शेयर किया है, जिसमें आदित्य L1 ने अपनी एक सेल्फी भी ली है। वीडियो में इसरो ने इस सेल्फी को भी साझा किया, जिसमें आदित्य L1 के विल्क यानी विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ और सूट यानी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजर 2 उपकरण दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जब से आदित्य L1 की लॉन्चिंग हुई है, तब से अभी तक 2 बार पृथ्वी की कक्षा बदल चुकी है। अपनी तय दिशा के आधार पर आदित्य L1 सूर्य के L1 पॉइंट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आदित्य L1 करीब 4 महीने बाद सूर्य और धरती के बीच स्थित L1 बिंदु पर पहुंचेगा। बता दें कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 भी अपने लक्ष्य की ओर सफर कर रहा है। आदित्य L1 4 महीने में करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। साथ ही इसरो के सूर्य मिशन में लगा विल्क सूरज की SD फोटोज लेगा। यात्रा पूरी होने के बाद आदित्य L1 के सारे पेलोड्स ऑन कर दिए जाएंगे। ये उपग्रह सौर तूफानों के आने की वजह, सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है, इस बारे में पूरी स्टडी करेगा। तो फिलहाल अंतरिक्ष से जुड़ी इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया और अंतरिक्ष से जुड़ी खास खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।